माय डियर यूट्यूब फैमिली, वेलकम करता हूं आप लोगों का हमारे चैनल की एक बिल्कुल ही फ्रेश वीडियो में। दोस्तों कैसे हो आप लोग, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आगे भी अच्छे रहना। दोस्तों आज आपका भाई एक बिल्कुल ही नई फ्रेश वीडियो के साथ आप लोग के सामने फिर से हाजिर हो चुका है। आज की इस वीडियो के अंदर आप लोगों को मैं बताने वाला हूं हमारे फ्री फायर गेम के अंदर आने वाले 4th एनिवर्सरी के बारे में। यहाँ पे काफी ढेर सारी नई इन्फॉर्मेशन निकल के आ चुकी है मेरी 4th एनिवर्सरी से रिलेटेड, जिसमें आपको काफी ढेर सारे फ्री के रिवॉर्ड अवेलेबल कराए जाएंगे, तो उसी के बारे में आप लोग को यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। उसी के साथ दोस्तों हमारे गेम के अंदर आने वाली न्यू M1887 की स्किन को दिखाने वाला हूं, न्यू फिश की स्किन कैसी रहने वाली है। उसी के साथ साथ दोस्तों काफी ढेर सारे ओपीओपी वाले इवेंट्स हैं जो कि यार इस वीडियो के अंदर कवर किया हूं और आप लोगों के लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसी के साथ साथ दोस्तों यार यहां पे हमारा जो ग्रीन क्रिमिनल बंडल है वो हम लोग को रिटर्न में देखने को मिल सकता है, ऐसी यहां पे लीक्स निकल के आ रही है। तो कब तक आएगा, कौन से इवेंट के अंदर से आएगा, उसके बारे में भी आप लोगों को बताने वाला हूं। और भी काफी ढेर सारे ओपी वाले इवेंट्स है जो कि यार इस वीडियो के अंदर कवर किया हूं, तो वीडियो से यार आप लोगों को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज मिलने वाली, पूरा लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए यार वीडियो को बिना देर के भी स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और साथ में यार चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट जरूर कर देना फ्री फायर की ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस सबसे पहले पाने के लिए। तो दोस्तों यार सबसे पहले आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने वाला हमारे ग्रीन क्रिमिनल रिटर्न के बारे में। यहाँ पे काफी ढेर सारी न्यूज निकल के आ रही है कि हम लोग को हमारा जो ग्रीन क्रिमिनल बंडल था वो फिर से रिटर्न में देखने को मिल जाएगा। रिसेंटली यार यहाँ पे एक डाटा माइनर की तरफ से बताया जा रहा है कि जो हमारा ब्राजील का सर्वर है उसके अंदर बहुत ही जल्दी, मतलब दोस्तों यार इसी OB29 अपडेट के बाद जो हमारा ग्रीन क्रिमिनल बंडल है वो रिटर्न में देखने को मिल जाएगा। मतलब दोस्तों यार इसको बताने का ये यहाँ पे मेरा मोटिव है कि अगर हमारे अदर शो के अंदर ग्रीन क्रिमिनल रिटर्न में देखने को मिल जा रहा है तो आने वाले टाइम के अंदर हमारे इंडियन शो के अंदर भी रिटर्न में देखने को मिल जाएगा। और आप लोगों को पता होगा भाई क्रिमिनल बंडल कितना ज्यादा रेयर यहाँ पे माना जाता है हमारे हर एक सर्वर के अंदर। तो एक चीज तो मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ, अगर क्रिमिनल बंडल यहाँ पर रिटर्न में आएगा दोस्तों तो काफी ढेर सारे बड़े डायमंड वाले इवेंट के अंदर आएगा, जहां पे आप लोगों को काफी ढेर सारे डायमंड वाला जो डायमंड का प्राइस वगैरह रहता है पे करना पड़ सकता है। इसी के साथ दोस्तों अगर यहाँ पे हम बात कर ले कि कौन से इवेंट के अंदर से आ सकता है फ्री वाले, अगर आता है तो कौन सा इवेंट रह सकता है, तो जैसा कि यार आप लोगों को पता होगा पिछली बार जब हमारा ग्रीन क्रिमिनल का बंडल आया था, मतलब जब हमारा पहली बार आया था, तो उस बार यार हम लोग को कुछ स्टार का टोकन यहाँ पे कलेक्ट करना पड़ता था। यहाँ पे कुछ कार्ड वगैरह रहते थे जिसको यार हम लोग को सिंपली फ्लिप करने के बाद उसके अंदर से अगर स्टार वाला टोकन मिलता था तो उस टोकन को एक्सचेंज करने के बाद हम लोग ग्रीन क्रिमिनल वाला जो बंडल है वो एक्सचेंज कर पाते थे। तो मे बी हो सकता है अगर यही वाला रिटर्न हमको रिटर्न में देखने को मिल जाए तब तो यार काफी ज्यादा ओपी वाली बात हो जाएगी। लेकिन दोस्तों यार मैं अगर अपना ओपिनियन दूं तो मुझे तो नहीं लगता है भाई कि हम लोग को गरेना फ्री फायर फिर से फ्री में भाई ग्रीन क्रिमिनल वाला जो बंडल है वो रिटर्न में देगी, क्योंकि यार उसको भी पता है कि ग्रीन क्रिमिनल वाला जो बंडल यहाँ पे है बहुत ज्यादा रेयर माना जाता है। तो मेरे ख्याल से यार जो यार बंडल रहेगा ये हम लोगों को बिल्कुल ही फ्री में नहीं देने वाला है गरेना फ्री फायर, वो हम लोग को किसी न किसी बड़े वेब इवेंट के अंदर देगा जहां पर हम लोग को काफी ढेर सारे डायमंड वगैरह पे करने को पड़ सकते हैं। और दोस्तों यार ये जो बंडल है ये सबसे पहले हमारे ब्राजील सर्वर के अंदर आएगा रिटर्न में, उसके बाद धीरे धीरे करके हर एक सर्वर के अंदर अवेलेबल कराया जाएगा। तो इंडियन शो में भी आएगा लेकिन अभी बहुत ही टाइम है इसको आने में, तो इसकी लीक निकल के आई हुई थी तो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दिया हूँ। इसके बाद दोस्तों यार मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा हमारे गेम के अंदर आने वाली न्यू गोल्डन M1887 की स्किन, जो कि यार यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पर देख ही सकते हो। सबसे पहले यार आप लोग इसका एनिमेशन वगैरह देख सकते हो, कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। उसके बाद लुक वाइज अगर इसकी बात करें तो लुक यार काफी ज्यादा ओपी वाला यहाँ पे डिजाइन किया गया है, जिसके अंदर हम लोग को गोल्डन कलर का यहाँ पे कॉम्बिनेशन देखने को मिल जा रहा है और बहुत ही प्यारा सा इफेक्ट यहाँ पे डाला गया है इस गन के अंदर। और ये वाली गन देख सकते हो यार बहुत ज्यादा ओपी यहाँ पे रहने वाले, इसके एट्रीब्यूट्स तो यहाँ पे अभी रिवील नहीं हुए हैं, लेकिन जैसे अपकमिंग डेज में इसके एट्रीब्यूट्स रिवील होते हैं आपका भाई सबसे पहले आप लोग को बता देगा। और अगर इसकी बात करें कि कौन से इवेंट के अंदर से आ सकता है तो दो ही इवेंट इसके लिए निकल के आ रहे हैं। सबसे पहले हमारा रोल द डाइस वाला इवेंट निकल के आ रहा है, उसके बाद दोस्तों यार हम लोग को देखने को मिल सकता है हमारे टोकन टावर इवेंट के अंदर। इन्हीं दो इवेंट के अंदर हम लोग को ये गन जो है हमारे इंडियन शो के अंदर अवेलेबल करा दी जाएगी। और अगर डायमंड की यहाँ पे बात करें तो भाई कम से कम आप लोग यहाँ पे मान के चलो 1500 से 2000 डायमंड आप लोगों का कम से कम लगने वाला है। मैक्सिमम यार कितना लग सकता है इसकी कोई भी यहाँ पे लिमिट नहीं है, लेकिन कम से कम आप लोग का 2000 डायमंड इस गन को निकालने के लिए लगने वाला है। और दोस्तों यार ये वाली जो गन है ये वाली गन हमारे गेम के अंदर OB29 अपडेट के बाद अवेलेबल करा दी जाएगी, जो कि दोस्तों यार 5 अगस्त के दिन हमारे गेम के अंदर आएगा OB29 का अपडेट। तो उसी के यार कुछ दिन बाद, मतलब 1 या 2 मंथ के बाद, या फिर दोस्तों यार हो सकता है कि हमारे अगस्त मंथ के अंदर अंदर ही हम लोग को ये गन देखने को मिल जाए। वैसे मैं अगर अपना ओपिनियन दूं भाई तो अगस्त मंथ में नहीं, लेकिन हमारे OB29 अपडेट के आने के बाद लगभग 2 से 3 मंथ के बाद हमारी ये गन जो है हमारे गेम के अंदर अवेलेबल करा दी जाएगी। इसके बाद दोस्तों यार मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा एक बिल्कुल ही न्यू फिश की स्किन, जिसके बारे में हमारे एक भाई बहुत ज्यादा क्वेश्चन कर रहे थे। तो यहाँ पे दोस्तों यार आप लोग स्क्रीन पर देख ही सकते हो एक बिल्कुल ही ब्रांड न्यू फिश की स्किन निकल के आ चुकी है, जो कि हम लोग को ब्लू कलर के कॉम्बिनेशन के साथ देखने को मिल जा रही है। और मुझे जहां तक लगता है भाई ये वाली जो फिश की स्किन है हमारी
आने वाले ईवो एक्समेट गन की थीम पर बेस्ड हम लोग को देखने को मिल जाएगी, या फिर दोस्तों हो सकता है कि ईवो एक्समेट गन की थीम पर बेस्ड कोई अदर यहाँ पे फिस्ट की स्किन हम लोग को देखने को मिल जाए। वैसे ये वाले जो फिस्ट की स्किन है दोस्तों हमारे ओबी 29 अपडेट के बाद हमारे इंडिया स्टोर के अंदर अवेलेबल करा दिया जाएगा और बिल्कुल ही नई स्किन निकल के आई हुई है जो कि यार देखने में काफी ज्यादा प्यारी लग रही है। तो यार आप लोगों को ये फिस्ट की स्किन कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जोर से जरूर बता दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों यार हमारे ओबी 29 का एक नया इमोट यहाँ पे निकल के आ चुका है जो कि यार आप लोग देख ही सकते हो अपनी स्क्रीन पर। ये एक बिल्कुल ही नया इमोट यहाँ पे रिवील हो चुका है, पूरा फुल एनिमेशन के साथ अभी नहीं आया हुआ है, लेकिन दोस्तों यार यहाँ पे इसका थोड़ा सा जो एनिमेशन वगैरह है वो रिवील हो चुका है, जिसके अंदर दोस्तों यार सिर्फ एक ही चीज की अभी यहाँ पे कमी है, जिसमें यार आप लोग देख सकते हो एक पेट यहाँ पे बना हुआ है। ये पेट जो है दोस्तों अगर इस इमोट के अंदर आ जाएगा तो वो भी मैं आप लोग को दिखा दूंगा। इसके अलावा दोस्तों यार और भी काफी ढेर सारे यहाँ पे इमोट निकल के आए हुए हमारे ओबी 29 अपडेट से रिलेटेड, जो कि यार आप लोग स्क्रीन पर उस इमोट की फोटो वगैरह देख सकते हो। इमोट का भी एनिमेशन वगैरह निकल के नहीं आया हुआ है, फोटो के अंदर देख सकते हो 3 से 4 इमोट यहाँ पे बताया जा रहा है, जिनमें से एक इमोट मैंने दिखा दिया है। इसके अलावा जितने इमोट अगर उनकी एनिमेशन वगैरह मिलता है तो आपका भाई सबसे पहले प्रोवाइड कराएगा। उसके लिए आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट जरूर रखना है और वीडियो को लाइक जरूर करना है, जिससे मोटिवेशन मिलता रहे। इसके बाद दोस्तों यार मैं आप लोग को दिखाना चाहूंगा हमारे गेम के अंदर आने वाले डबल वेक्टर की स्किन को, जो कि यार काफी ज्यादा यहाँ पे कमाल की बनाई गई है। आप लोग स्क्रीन पर देख ही सकते हो बहुत ज्यादा ओपी वाले इफेक्ट और एनिमेशन के साथ यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल जा रही है हमारे डबल वेक्टर की स्किन, जिसके अंदर देख सकते हो यार हम लोग को रेड और ब्लू कलर का यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनाया गया है। मतलब दोस्तों यार एक तरीके से बोल सकते हैं आग और पानी का यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनाया गया है, कि भाई जो हमारी आग रहती है वो रेड कलर की और पानी रहता है भाई ब्लू कलर का। तो देख सकते हो और उसी तरीके यहाँ से हम लोग को डिजाइन की गई हमारी बिल्कुल ही नई वेक्टर की स्किन, जो कि हमारे ओबी 29 अपडेट के बाद हमारे गेम के अंदर अवेलेबल करा दी जाएगी। और लुक वाइज गाइस यार ये जो गन है बहुत ज्यादा ओपी रहने वाली है और लेजेंडरी गन की स्किन रहेगी, जिसके अंदर हम लोग को बहुत ज्यादा प्यारा वाला एनिमेशन देखने को मिल जाएगा। और इस गन की स्किन की बात करें तो भाई ये हम लोग को अवेलेबल कराया जा सकता है हमारे टोकन टावर इवेंट के अंदर, या फिर दोस्तों किसी वेब इवेंट के अंदर ये हम लोग को देखने को मिल सकता है, क्योंकि यार नॉर्मली यार हम लोग को किसी इवेंट के अंदर ये नहीं डाला जाएगा, क्योंकि यार वेक्टर की बहुत ज्यादा ओपी वाली स्किन है। इसके पहले सिर्फ एक ही यहाँ पे ब्लू कलर की स्किन आई थी लेजेंडरी, उसके बाद दूसरे नंबर की यही लेजेंडरी स्किन है जो कि हम लोग को देखने को मिल जा रही है हमारे वेक्टर गन की। तो चलिए यार दोस्तों अब यहाँ पे हम बढ़ते हैं अपने फोर्थ यूनिवर्सिटी की तरफ और यहाँ पे बात कर लेते हैं कि हमारे फोर्थ यूनिवर्सिटी के दौरान क्या कुछ यहाँ पे फ्री के रिवॉर्ड हम लोग को देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों यार मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि इस बार हम लोग को फोर्थ यूनिवर्सिटी बिल्कुल ही फ्री में एक परमानेंट गन स्किन देखने को मिल सकती है, क्योंकि यार मैं आप लोग को याद दिलाना चाहूंगा जब हमारी सेकंड एनिवर्सरी आई थी तो उस दौरान दोस्तों हम लोग को एक यमोनेटेड 7 और एक यहाँ पे यूएमपी की स्किन बिल्कुल ही फ्री में परमानेंट प्रोवाइड कराई गई थी, जिसके लिए दोस्तों यार हम लोग को पर्टिकुलर यहाँ पे एक टोकन वगैरह कलेक्ट करना पड़ता था। उस टोकन को कलेक्ट करने के बाद वो सारे के सारे टोकन हम लोग एक्सचेंज करके बिल्कुल ही फ्री में परमानेंट गन की स्किन वीपन रॉयल डायमंड रॉयल बाउचर वगैरह यहाँ पे हम लोग क्लेम कर पाते थे। और यहाँ पे टोकन वाले मिशन वगैरह भी रहते थे, जिनमें हम लोग को किल वाले मिशन दिए गए थे, किल या फिर बुइया करने पर हम लोग को वो टोकन देखने को मिल जा रहा था, जिसको एक्सचेंज करने के बाद हम लोग को सारे रिवॉर्ड मिलते थे। इसके अलावा दोस्तों यार हम लोग को लॉग रिवॉर्ड भी यहाँ पे देखने को मिला था, जिसके अंदर हम लोग को एक हैट की स्किन देखने को मिली थी, एक सरबोर देखने को मिला था और उसके साथ साथ यहाँ पे एक मेल का बंडल हमको बिल्कुल ही फ्री में परमानेंट अवेलेबल कराया गया था। तो ये सारी चीजें हम लोग को रिटर्न में देखने को मिल जाएंगी। इसके साथ दोस्तों यहाँ पे हम लोग कोई ना कोई एक इमोट भी देखने को मिल सकता है, जो कि हम लोग को इस बार फोर्थ यूनिट के दौरान बिल्कुल ही फ्री में प्रोवाइड कराया जा सकता है। लेकिन इमोट जो है दोस्तों यार हमारे अदर शो के अंदर आएगा, इंडिया शो के अंदर भाई नहीं आएगा, क्योंकि यार अगर आप लोग को इंडिया शो के अंदर चाहिए तो आप लोग को मैं छोटा सा स्टेप बता रहा हूँ, जो कि यार आप लोग को करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप लोग को कुछ नहीं करना भाई, हमारा जो फ्री फायर का ऑफिशियल इंस्टाग्राम फेसबुक पेज है वहां पे जाके उनकी जो लेटेस्ट पोस्ट है वहां पे आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ कमेंट करना है जस्टिस फॉर इंडियन सर्वर, और जितना ज्यादा हो सके यार इस वीडियो को शेयर कर देना, जिससे यार हर एक प्लेयर को पता चल सके। क्योंकि यार यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने जो मुहिम स्टार्ट की है बहुत ही बड़े स्तर पर अभी चल रही है, और अगर हम लोग इसको कंटिन्यू रखेंगे तो जरूर से हमारे इंडिया शो के अंदर अच्छे अच्छे इवेंट और अपडेट आने लगेंगे। तो आप लोग को हर एक वीडियो में यहाँ पे कमेंट जरूर करते रहना है जस्टिस फॉर इंडियन सर्वर। और भाई यार जिन्होंने भी मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है जल्दी से फॉलो करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाए, क्योंकि यार हम लोग को अपने जस्टिस के लिए और क्या क्या कदम उठाने हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या कुछ रहने वाला है उसके बारे में मैं अपने इंस्टाग्राम पेज पे बताता रहता हूँ। तो जिन्होंने भी यार फॉलो नहीं किया नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जाके यार जोर से फॉलो कर लेना। तो चलिए यार दोस्तों मिलते हैं एक बिल्कुल ही फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट जरूर कर लेना।